नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है टेक विद तिवारी जी। आज हम लोग जो बात करेंगे वो है, कुछ नहीं बात करेंगे, आज अनबॉक्स करेंगे कैनन का 200D, जो कि मैंने बहुत दिन से ट्राई कर रहा था परचेस में। इसके साथ हम अमेजोन के साथ मेरा कुछ गड़बड़ भी हुआ था, उसका डिटेल्स में वीडियो में बाद में बनाऊंगा। पहले ये देख लेते कि इस बॉक्स में क्या क्या है और इस कैमरा का क्या क्या फैसिलिटी है। तो मैं कैमरा अभी ज्यादा यूज करने में नहीं जानता हूँ, ये मेरा पहला DSLR है। तो कुछ नॉर्मल चीजें करेंगे, अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या है। तो अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो है मेरा Realme 2 Pro 8GB वाला वेरियंट से रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप इसका क्वालिटी देख लीजिए। इसके बाद जो अनबॉक्सिंग होगा वो करते हैं, ठीक है? चलिए मुद्दे पे आते हैं। प्रोडक्ट है जो अंदर में आपको मिलते हैं अपने कैनन 200D का। जैसा आपने अनबॉक्सिंग में देखा, मैंने एक उसको क्विक कर दिया क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बड़ा वीडियो हो जा रहा था, तो इसलिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बॉक्स में क्या क्या हमें मिला है। सबसे पहले एक किट लेंस है जो कि है 1855, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 1855 का किट लेंस है। और इसके अलावा एक बैटरी है जो कि 1040 mAh का है, जैसा कि आपको मैं दिखा दे रहा हूँ 1040 का है, ठीक है? और जैसा बोला जाता है कि इसका बैटरी बैकअप में 650 का आसपास आप क्लिक कर सकते हैं अपने एक फुल चार्ज में, अगर आपका फुल चार्ज होगा। और चार्जिंग की बात करें, मैंने तो चार्जिंग कर लिया था और इसको करीबन 2 घंटा चार्ज लगता है अगर ये नील रहता है। जैसे कि मेरे पास आया था, थोड़ा सा चार्ज था, चेक किया, उसके बाद इसको चार्ज किया और 2 आवर्स लगा मुझे पूरा पूरी इसे चार्ज करने में। इसके बाद अभी जो मिलता है वो है एक 16GB का मेमोरी कार्ड, ठीक है, 14 Mbps का स्पीड के साथ ये आता है। इसके अलावा मैंने एक और ऑर्डर कर चुका हूँ फ्लिपकार्ट से और वो कुछ दिन में वो भी मिल जाएगा। इसके अलावा चलिए, ये मेरा कैनन का 200D है जो कि परचेस हुआ है और इसका थोड़ा सा बाद में इसका हम लोग देखते हैं। सबसे उसके अलावा देख लेते हैं एक रिबन है जो कि यहाँ पर जो रहता है वो लगता है यहाँ पॉइंटर में, एक यूज़र मैनुअल, चार्जर का केबल एंड चार्जर पोर्ट और एक बैग मिला है। तो ये सब चीज़ें मुझे मिल जाती है और ये सब चीज़ों को मैं साइड कर देता हूँ। कैमरा की बैग की जो बात करते हैं तो ये मुझे अच्छा ही लगा, उतना ख़राब नहीं लगा। इसका जो प्राइस दिखा रहा है वो 995 का दिख रहा है। चलिए अब देखते हैं कि इसके थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, क्या मिलता है, कैसा मिलता है। तो यहाँ पर आपको 200D लिखा हुआ है EOS, एक्चुअली अमेरिका के जो नॉर्थ अमेरिका के बाहर जो रहता है उसका नाम है USD और उधर में रेवल SL2 जो बोला जाता है इसको, ठीक है? तो यहाँ पर इसका जो स्क्रीन है वो टिल्ट स्क्रीन होता है जो कि आपको कहीं भी, आप किधर भी घुमाओ, कहीं भी घुमाओ, जो कि अच्छा है, ठीक है? तो इस तरह से ये स्क्रीन है, ये 3 इंच का स्क्रीन है, जैसा कि मैं इसको घुमा कर लगा देता हूँ, ये 3 इंच का स्क्रीन है। इसके अलावा यहाँ पर जो मिलता है कुछ डायलर्स मिलते हैं जो कि मुझे नहीं उतना मालूम है। यहाँ पर ऑटो मैं चला रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, अभी सीख रहा हूँ। यहाँ पर इसके साथ एक जो कैप है उसको निकाल के आप यहाँ पर अपना लेंस लगा सकते हैं। तो लेंस में लगा कर दिखा देता हूँ कि किस तरह से लगता है। चलिए, यहाँ पर आपको चीज़ देखना है, यहाँ पर देखिए वाइट और रेड 2 किस्म का सिंबल है। आपके कैमरा का देखने लेंस में देखना है कि क्या सिंबल है। तो मेरा लेंस में वाइट है, इसको करके थोड़ा सा ये कर देना है, बस ये हो गया। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा कि ये फिक्स होता है कि नहीं। इसके अलावा यहाँ बात करते हैं तो यहाँ 2 स्विच है, आप ऐसे करके देख सकते हैं, एक है ऑटो फोकस का और एक मैनुअल फोकस का, दूसरा है स्टेबलाइजर, ठीक है? ये वीडियो में स्टेबलाइजर काम करता है, ये वाला है। इसके अलावा यहाँ पर आपको NFC, वाईफाई, ब्लूटूथ तीनों मिल जाता है। इसमें जो प्रोसेसर है जो DG7 का जो वर्सन है वो काफ़ी मतलब अच्छा है, लेटेस्ट है, वो मिलता है। इसमें जो बात करते हैं इमेज क्वालिटी के, तो 80D और 800D का ऑलमोस्ट बराबर मिलता है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिलता है बट यहाँ पर ऑलमोस्ट उसके बराबर का पिक्चर मिलता है। तो चलिए इसमें कुछ लगा देता हूँ मैं और आपको दिखा देता हूँ कि कैसा ये आपको फील देगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको ओपन करके यहाँ पर अपना बैटरी लगा देना है, बैटरी, और वहाँ पर जो दिख रहा है आपको अंदर में होपफुली दिख रहा होगा, तो उसको देख के आराम से इसको प्रेस करके प्रेस कर दीजिए बस। इसके अलावा यहाँ पर लगा देना है अपना मेमोरी कार्ड,
हो गया। अब इसको ऑन करने के लिए जस्ट यहाँ पर एक जो सिंबल है, यहाँ पर ये जो है उसको एक बार ऑन कीजिए और ये ऑन हो गया, सिंपल सा है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको आराम से आप फोटो क्लिक कर सकते हैं, चाहे अगर मैं यहीं पर अगर कुछ ऑब्जेक्ट है इसी को अगर चेक करूं तो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर आराम से आप मैं क्लिक कर लूँगा, ये इमेज है। अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आके ये बटन को प्रेस करके आप देख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इसको जूम करना, जूम आउट करना, सब चीज़ आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं, एक जो स्क्रीन है ये फुल्ली टचिंग टचेबल है, आप इसको टिल्ट के साथ साथ आप इसको टच करके पूरा सब चीज़ नेगोशिएबल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वीडियो मोड करें तो वीडियो मोड में भी आपको आराम से कर सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं इसको यूज़ टू हूँगा, उसके बाद ही आपको बता पाऊँगा इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटी है। इसमें बेसिकली मुझे जो लग रहा है, इजी टू यूज़ है, इसका इंटरफेस बहुत इजी लगता है। इसके अलावा अगर बात करूँ तो इसका जो मैंने जो इसलिए परचेस किया है वो है इसका डुअल ऑटो फोकस। तो देखा दोस्तों आपने इसके बॉक्स में क्या क्या कंटेंट मिलता है, क्या क्या है इसमें, और ये कैमरा जो है इसमें क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलता है। इसमें बहुत सारा फैसिलिटी है, मैंने जैसे आपके अनबॉक्सिंग में भी बताया कि ये जो कैमरा है वो 800D और 80D से थोड़ा सा नीचे है क्योंकि उसका प्राइस भी ज्यादा है, बट ये काफी अच्छा है। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि इसके बाद का जो रिकॉर्डिंग मैं करने जा रहा हूँ वो इस कैमरा से करने जा रहा हूँ, और आप देख लो कि आपको क्या क्वालिटी मिलता है इसका वीडियो में। मैंने बहुत सारे रिसर्च करके उन्हीं के बाद ही इस कैमरे को परचेस किया है, तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं कि इसका कैमरा क्वालिटी कैसा है। दोस्तों अभी जो वीडियो देख रहे हो अपने जो किट लेंस है कैनन 200D का, उसी से रिकॉर्ड कर रहा है क्योंकि मैंने इसी को परचेस किया, इसके अलावा कुछ नहीं परचेस किया, उतना बजट नहीं था। पहले मैंने आपको रियलमी 2 प्रो जो 8 GB वाला वेरियंट था उससे मैंने रिकॉर्ड किया था, उसका क्वालिटी और ये का क्वालिटी आप चेक कर लो। और ये देखो, मैं अगर ऑटो फोकस की बात करता हूँ तो आपको लाइव में दिखा सकता हूँ कि आपको तुरंत ये फोकस कर लेता है, हंट नहीं करता आपको फोकसिंग में। तो ये एक अच्छा चीज़ था जो कि मेरे को वीडियो बनाने में तकलीफ हो रहा था अपने लिनोवो का केट प्लस में, बट यहाँ पर तो मुझे ये अच्छा लगता है। इसके अलावा अगर आपको मैं लाइव दिखाऊं, देखो जैसे अगर ये फोकस किया यहां पर, इसके बाद हटा दें तुरंत से ये फोकस कर लेता है। तो क्वालिटी आप चेक कर पा रहे होंगे। इसका जो माइक से मैंने एक्सटर्नल माइक लगाया है, इसका अभी तो मुझे मालूम नहीं था, मैंने इसका पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें साउंड नहीं आ रहा था तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा था, लेकिन अभी मुझे समझ में आया, मैंने टेस्ट किया, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। और साउंड का क्वालिटी भी आप चेक कर लो, इसके अलावा वीडियो क्वालिटी भी चेक कर लो। अगर मैं आपको एक लाइव दिखाता हूँ जूम वाली बात, तो अगर मैं इसे जूम करता हूँ तो देखिए अगर ये फुल जूम है, और इससे अगर नॉर्मल एकदम ये आता है, इसके अलावा अगर ये जूम ये फुल, तो ठीक है। तो लाइव वाला जो जूम का फैसिलिटी है मैं वो भी दिखा दिया। अगर इस कैमरा के बारे में कुछ भी और जानकारी हमको मिलता है तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे अभी जानकारी चाहिए। मैंने बहुत सारे वीडियो देख के इसे अभी रिकॉर्ड का मोड में लाया हूँ, अभी मुझे वहाँ शूट करने में भी तकलीफ हो रहा है क्योंकि मेरा यहाँ शूट करने का पहले देखने का आदत था, अभी उधर चला जा रहा। तो अभी ये सब हैबिचुएट होने का बात है, हैबिचुएट हो जाएगा तो फिर एकदम ईजी से काम चलेगा। बट फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस कैमरा रिलेटेड, जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और बताइएगा कि वीडियो क्वालिटी कैसा और साउंड का क्वालिटी कैसा इम्प्रूव हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करके जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा फ्यूचर में ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो के लिए। हाँ, अभी बहुत सारा वीडियो बाकी है, इसका तो जो नॉर्मल वीडियो था मैं वो दिखा पाया, अभी आगे जो फ्यूचर में और इन डेप्थ में जाऊंगा, कुछ वीडियो सैंपल नहीं दिखाऊंगा मैं, कुछ क्लिक सैंपल आपको दिखा दूंगा मैं, उसे आप जज कीजिएगा कि कैसा काम करता है। ओवरऑल बोलेंगे किट लेंस काम करता है ठीक ठाक, लेकिन अगर आपको अच्छा थोड़ा सा इम्प्रूव क्वालिटी चाहिए या इम्प्रूव सब चीज़ चाहिए तो थोड़ा सा अच्छा लेंस में इन्वेस्ट करना होगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, वीडियो लाइक और शेयर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।